परमाणु युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आई। अमेरिका अपने डुम्सेट प्लेन को अपग्रेड कर रहा है और असरदार बना रहा है। डुम्सेट प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो कयामत के दिन के लिए बनाया गया, यानी परमाणु हमले वाली कयामत से बचाने वाला प्लान। चंद सेकंड में सर्वनाश परमाणु युद्ध की इस विध्वंसकारी फितरत से सभी देश डरते हैं। उसी प्रलयंकारी परमाणु युद्ध को लेकर बहुत खतरनाक इंटरनेशनल वार्निंग सामने आई है। वार्निंग ये है कि अमेरिका अपने डूम्सडे प्लेन को अपग्रेड करने में लगा है। डूम्सडे प्लेन नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। डूम्सडे प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो कयामत के दिन के लिए बनाया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों का हश्र पूरी दुनिया के सामने है। परमाणु हमले का अंजाम कयामत से कम नहीं होता। उसी परमाणु हमले वाले कयामत के दौरान ये विमान अपना काम करेगा। अमेरिका के 231 फीट लंबे इस प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। ये अमेरिका का एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट है। युद्ध के दौरान इस प्लेन के जरिए आसमान में उड़ते हुए ही कमांड दी जा सकती है। अमेरिका के स्पेशल डूम्सडे विमान का नाम है E-6P मर्करी। इस विमान के जरिए परमाणु युद्ध छेड़ा भी जा सकता है और परमाणु युद्ध के दौरान बचा भी जा सकता है। आखिर अमेरिका के डूम्सडे प्लेन को क्यों अपग्रेड किया जा रहा है? डूम्सडे प्लेन को एडवांस बनाने की वजह क्या परमाणु युद्ध है? क्या अमेरिका के इस एक्शन की वजह दुनिया में परमाणु हथियारों की बढ़ती तादाद है? दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ने लगी है। सबसे अधिक परमाणु हथियार चीन बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक दुनिया में 12,512 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 9,576 परमाणु हथियार इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। दुनिया में जिस तरह न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, अमेरिका जिस खतरे से डरा हुआ है वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं है। ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। रूस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल होना तय है। अमेरिका के लिए खतरा तो और बड़ा है, क्योंकि उसे एक साथ दो दो परमाणु महाशक्तियों से लड़ना है। एक तरफ रूस है, जिसने अपनी परमाणु सेना को युद्ध के लिए रेडी रहने का आदेश दे रखा है। वहीं दूसरी ओर चीन है, जो दिन रात अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगा है। सिप्री के मुताबिक पिछले एक बरस में दुनिया में 86 नए परमाणु बम तैयार हुए हैं। 2022 में हमले के लिए तैयार परमाणु हथियारों की तादाद 9,490 थी, जो 2023 में बढ़कर 9,576 हो गई है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडेन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मंथन नहीं करता। बाइडेन के ऑफिस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति पर चर्चा तो होती है, शी जिनपिंग के न्यूक्लियर पावर पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है। व्हाइट हाउस की इस मीटिंग में उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है?
अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चीन और रूस दोनों देशों ने एक साल में 72 नए परमाणु बम तैयार कर लिए हैं जो कभी भी हमले के लिए तैयार हैं। सिप्री के मुताबिक पिछले एक बरस में चीन ने हमले के लिए तैयार 60 नए परमाणु बम बनाए हैं, वहीं रूस ने एक साल में 12 नए परमाणु बम तैयार कर लिए हैं। सवाल है, क्या इसी वजह से अमेरिका अपने डूम्सडे प्लेन को और अपग्रेड करने में लगा है? क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, चौतरफा तबाही होगी, सर्वनाश होगा। न्यूक्लियर बॉम्बर लॉन्च किए जाएंगे, सीक्रेट एयरबेस से सीक्रेट उड़ाने भरी जाएंगी। ये ऐसा वक्त होगा जब परमाणु ब्लास्ट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। एक सुपर बॉम्बर के कॉकपिट से कैसा नजारा देखने को मिलेगा? मिसाइल लॉन्च की जाएंगी, उन्हें रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। आसमान से जमीन की तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़े हुए परमाणु बमों की तादाद ने दुनिया को डरने की बहुत बड़ी वजह दे दी है। वहीं अमेरिका E-6B मर्करी के साथ साथ E-4B नाइट वॉच नाम के प्लेन को और भी एडवांस बना चुका है जो कि परमाणु हमले को भी झेल सकता है। अमेरिका के E-6B मर्करी और E-4B नाइट वॉच ऐसे स्पेशल विमान हैं जिनका परमाणु हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका का E-4B नाइट वॉच दिखने में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज एयरफोर्स वन जैसा जरूर है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को भी डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। डूम्सडे का मतलब दुनिया का आखिरी दिन, यानी प्रलय और कयामत के उसी खतरनाक दिन से निपटने के लिए बना है अमेरिका का ये विमान। E-4B नाइट वॉच पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं पड़ता। इस विमान पर परमाणु धमाके के वक्त निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन और भयानक गर्मी भी बेअसर साबित होती है। परमाणु हमले के वक्त E-4B नाइट वॉच में अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना के सबसे सीनियर अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। E-4B नाइट वॉच को पहली बार शीत युद्ध के दौरान 1973 में डिजाइन किया गया था और आज अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान हैं। अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा से जरा भी समझौता नहीं करता, इसलिए हमेशा एक डूम्सडे प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ विदेश के दौरों पर जाता है। E-4B नाइट वॉच परमाणु हमले को कैसे झेल सकता है, इसे जान लीजिए। E-4B नाइट वॉच विमान की कॉकपिट में एक खास तरह की जाली लगी होती है जो उसके विंडशील्ड को परमाणु हमले के असर से बचाती है। प्लेन की बॉडी पर भी परमाणु धमाके से पैदा हुई गर्मी और उसके रेडिएशन से बचाने वाला पूरा कवच लगा है। इस डूम्सडे प्लेन को हवा में उड़ते बंकर की तरह बनाया गया है ताकि परमाणु जंग छिड़ने पर जब जमीन पर रहना खतरे से खाली ना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना के सीनियर अधिकारियों को लेकर ये आसमान में उड़ जाए। लेकिन E-4B नाइट वॉच का रोल यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग के बेहद हाईटेक इक्विपमेंट भी लगे हैं। यानी अमेरिका का डूम्सडे प्लेन हवा में उड़ते वॉर रूम का काम भी कर सकता है।
यानी परमाणु युद्ध की सूरत में जब अमेरिका की सेना का जमीन पर मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाए, तब उसका डूम्सडे प्लेन हवा में कमांड और कंट्रोल सेंटर बन जाएगा, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति आसमान में रहकर जमीन पर लड़ी जा रही जंग पर बारीकी से नजर रख सके। E-4B नाइट वॉच का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सैन्य अधिकारी दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका की फौज तैनात है वहां उससे संपर्क कर सकते हैं, उसे परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। यहां तक कि डूम्सडे प्लेन अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑर्डर को नीचे पानी के अंदर में मौजूद परमाणु पनडुब्बियों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तक भी पहुंचा सकता है। इन्हीं वजह से E-4B नाइट वॉच को अमेरिका का उड़ता पेंटागन भी कहा जाता है, मतलब अमेरिका का उड़ता रक्षा मंत्रालय, लेकिन असली पेंटागन से भी ज्यादा हाईटेक और सुरक्षित। लेकिन ऐसा विमान सिर्फ अमेरिका के पास ही नहीं है, रूस के पास भी हवा में उड़ने वाला ऐसा ही प्लेन है जो परमाणु बंकर का काम करता है। रूस के इस खास विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक परमाणु हमले की स्थिति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और टॉप लेवल के अधिकारियों को महफूज रखने के लिए इस विमान को बनाया गया है। फ्लाइंग क्रेमलिन रूस में बना इल्यूशन 1L80 विमान है। इस विमान में कॉकपिट को छोड़कर एक भी खिड़की नहीं है, यहां तक कि कॉकपिट के शीशे पर भी परमाणु हमला बेअसर साबित होगा। रूस का ये प्लेन हवाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है, जहां से पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। इसके अलावा परमाणु हमले से बचने के लिए रूस में पुतिन के लिए टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर भी बनाए गए हैं। रूस के ये परमाणु बंकर साइबेरिया में बनाए गए हैं। साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि पुतिन किस बंकर में मौजूद है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। दावा तो यहां तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1,00,000 लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। पुतिन की तरह ही चीन में भी शी जिनपिंग को परमाणु हमले से बचाने के लिए खास न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है। शी जिनपिंग का न्यूक्लियर बंकर धरती के अंदर मौजूद वो ठिकाना है जहां परमाणु हमले का कोई असर नहीं होगा। चीन का ये खुफिया परमाणु बंकर कहां है? अगर चीन पर परमाणु हमला हो गया तो चीन के प्रेसिडेंट समेत सेना के टॉप ऑफिशियल कहां शरण लेंगे? शी जिनपिंग का ये परमाणु बंकर 24/7 एक्टिव रहता है। चीन की PLA सेना के सदस्य 2400 घंटे उसमें तैनात रहते हैं, सातों दिन उनकी शिफ्ट लगती है। चीन का ये परमाणु बंकर बीजिंग में सरकार के मुख्यालय से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनाया गया है, जो PLA के जॉइंट बैटल कमांड सेंटर का हिस्सा है। यहां जाने का रास्ता बीजिंग शहर के बीचों बीच मौजूद फॉरबिडन सिटी से डायनामिन वेस्ट स्ट्रीट से आगे बढ़कर जीजुआन रोड से होते हुए मिजुआंग रोड और वहां से हने रोड से आगे बढ़कर फॉरेस्ट पार्क पहुंचती है।